हाय गाइस, ये है माय 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्रिकिनफो। मैं हूं रौनक कपूर। और विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में मैच होने जा रहा है वेस्ट इंडीज और थाईलैंड के बीच। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स दैट यू कैन गेट, और मैं आपकी मदद करूंगा हमारे खास आंकड़ों के साथ अपनी फैंटेसी टीम बनाने के लिए। तो भाई, थाईलैंड के बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। पहली बार एक मेजर आईसीसी इवेंट के फाइनल्स में खेल रहे हैं। दे मैनेज टू क्वालिफाई, सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट। बट ऑफकोर्स उनके सामने है एक स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज टीम। दे वन नंबर ऑफ आईसीसी इवेंट्स इज वेल। और जहां तक प्रो टिप का सवाल है, वो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स वेस्ट इंडीज की टीम से ही पिक कीजिए। हालांकि फैंटेसी रूल्स के हिसाब से आप ज्यादा 7 प्लेयर्स ही पिक कर सकते हैं, तो 4 प्लेयर्स थाईलैंड से आपको पिक करनी होगी। एंड आई विल हेल्प यू विद दैट इन जस्ट अ बिट। नए यूजर्स के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि माई 11 सर्कल ऐप पे हर यूजर के पास 100 क्रेडिट्स है, जिसमें से उनको अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। आप अपने प्लेयर्स को 4 कैटेगरीज में से पिक कर सकते हैं, वो है बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर्स या और ऑलराउंडर्स। और आप एक टीम से 7 प्लेयर पिक कर सकते हैं। हर प्लेयर का इंडिविजुअल क्रेडिट वैल्यू आपको ऐप पे दिखाई देगा। शुरू करते हैं हमारे कैप्टन चॉइस के साथ, और वो डियांड्रा डॉटिन होंगे। अगर आप वेस्ट इंडीज या फिर विमेंस क्रिकेट फॉलो कर रहे हो, देन यू नो दैट डियांड्रा डॉटिन इज द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर द वेस्ट इंडीज। विद बैट विद बॉल एक कमाल के ऑलराउंडर है। Lots of international experience, और T20 World Cup जब पिछली बार हुआ था, Dotin was absolutely outstanding। उनका जो batting strike rate 125 से भी ज़्यादा, और 2 centuries भी मार चुके in the T20 format। So she's that kind of player with ball in hand। She picked up 14 wickets in her last 10 games। अच्छे form में भी है, तो Dotin is an absolute no-brainer for your captain। Vice captain is Stephanie Taylor, जो of course West Indies team के कप्तान है, but you can also punt on someone like Stephanie Taylor। All rounder भी है, bats in the top order and also bowls some very handy off spin। और जहां तक विमेंस BBL का सवाल था, she also played there, so she's played in these parts of the world recently or has the experience as well। So Dotton and Stephanie Taylor will be our captain and vice captain choice। और आपको double or 1.5 times the points respectively दिलाते हैं कप्तान और vice captain, so pick them very carefully। Top picks में Hayley Matthews, West Indies के hard hitting top order batsman। और जहां तक उनके style, batting style का सवाल है, she can really demolish bowling attacks on her day। और other than Deanna डॉटिन, हेली मैथ्यूज ऐसे इकलौते खिलाड़ी है जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 100 लगाया हो फॉर द वेस्ट इंडीज। सो हर कैपेबिलिटीज विद द बॉल आल्सो शुडन्ट बी फॉरगॉटन। शी कैन बी यूज्ड एज एन ऑलराउंड ऑप्शन टू। शकीरा सलमान इज आवर नेक्स्ट टॉप पिक, और वो वेस्ट इंडीज की पेस अटैक को लीड करेंगे एंड स्विंग मैनेज करते हैं विद द न्यू बॉल शकीरा सलमान। सो यू वुड थिंक अगेंस्ट अ टीम लाइक थाईलैंड, जो विद नो डिसरिस्पेक्ट इज अ लेसर टीम देन वेस्ट इंडीज, तो एक न्यू बॉल बॉलर कैन फैंसी गेटिंग सम विकेट्स एज well। कुछ थाईलैंड के प्लेयर्स को आपको पिक करना ही होगा। सो इन आवर टॉप पिक्स वी हैव गॉट चनिदा सुथिरुआंग, एंड ये थाईलैंड के न्यू बॉल बॉलर है। एंड शी वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड T20 क्वालिफायर्स जो स्कॉटलैंड में खेला गया था। इन्होंने 5 मैच में 12 विकेट निकाले थे इंक्लूडिंग अ फोफा। और एक न्यू बॉल बॉलर रहते भी हर इकोनॉमी रेट इन T20s इज लेस देन 3.5, तो शी इज अ वेरी इफेक्टिव बॉलर। ऑफकोर्स जो ऑपोजिशन के सामने दैट शी इज प्लेड वुड नॉट बी लाइक द वेस्ट इंडीज, बट कीप एन आई आउट फॉर चनिदा सुथिरुआंग। एक बार फिर आपको याद दिला दो, हमारे कैप्टन चॉइस डियांड्रा डॉटिन, वाइस कैप्टन स्टेफनी टेलर, एंड टॉप पिक्स हेली मैथ्यूज, शकीरा सलमान एंड चनिदा सुथिरुआंग फ्रॉम थाईलैंड। वैल्यू वाइज में आपको शमीलिया कॉनेल मिल जाएंगे। कॉनेल इज ऑफकोर्स अ राइट आर्म सीमर फ्रॉम द वेस्ट इंडीज टीम, बारबाडोस से आते हैं। एंड शी बोल्स शी डज अ लॉट ऑफ हर बोलिंग अप फ्रंट एंड बोल्स विद सम सीरियस पेस एट टाइम्स। और जब पेस का सवाल है, तो एक इनएक्सपीरियंस थाईलैंड टीम के सामने अगेन इट कुड मेक हर समवन हु गेट्स अ लॉट ऑफ विकेट्स एंड देयरफॉर लॉट ऑफ पॉइंट्स आपके लिए। और थाईलैंड की तरफ से हमारे पास एक वैल्यू पिक भी आते हैं, अच्छे प्राइस में आपको मिल सकते हैं, सुलीपॉन लाउमी। अब सुलीपॉन लाउमी इज अ लेग स्पिनर, ऑलवेज हैंडी इन द T20 फॉर्मेट। और जो इनका रिकॉर्ड है T20 में, बहुत ही कमाल का रहा है। इन्होंने ICC वुमेन्स वर्ल्ड T20 क्वालिफायर्स में 6 विकेट निकाले थे और इकोनॉमी रेट सिर्फ 3.16। अगर उनके पूरे आंकड़ों की भी बात करें, शी इज गॉट 43 विकेट्स फ्रॉम 35 गेम्स। सो एक्सपीरियंस है इनके पास, ऑफकोर्स ऑफ अ डिफरेंट लेवल परहैप्स, बट कीप एन आई आउट फॉर लाउमी द लेग स्पिनर फ्रॉम थाईलैंड। कुछ और आपको मैं पॉइंट्स आपको बता दूं इस ग्राउंड पे, द वैका इन पर्थ, पिछले पांच T20s में द टॉप 3 बैटर्स हैव स्कोर्ड मोर देन 70% ऑफ द रन्स। तो आपको शायद वेस्ट इंडीज के टॉप 3 को बैक करना ही चाहिए।
And of course, to remind you with our team, हमारे विकेटकीपर चॉइस वेस्ट इंडीज से ही आएंगे शेमेन कैम्बल. बैट्समैन में वी पिक्ड टू टॉप ऑर्डर बैट्समैन फ्रॉम थाईलैंड, नरुविमल चाईवाई एंड नथकन शांतम. ये थाईलैंड के दो प्लेयर है और हमने इनको पिक किया है एज द बैट्समैन. ऑलराउंडर्स में डियान्ड्रा डॉटन, स्टेफनी टेलर और हेली मैथ्यूज, सो द एब्सोल्यूट पावर हाउस ऑफ द वेस्ट इंडीज टीम. और साथ ही चनिदा सुथिरुवांग विल बी आवर फोर्थ थाई प्लेयर. इन्होंने 35 मैच खेले हैं और शी इज मैनेज टू पिक अप 42 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 8.73. तो सीम बोलिंग ऑलराउंडर है चनिदा सुथिरुवांग. बोलर्स में अनीसा मोहम्मद, शकीरा सलमान, शमिलिया कॉनेल एंड सुलीपॉन लाउमी द लेग स्पिनर फ्रॉम थाईलैंड. ये आपकी टीम 100 क्रेडिट्स के अंदर तो बन ही जाएगी. एंड ऑफकोर्स टॉस के बाद प्लेइंग 11s को देख के ही अपनी फाइनल फैंटसी टीम तय कीजिएगा. हम फिर हाजिर होंगे ऑन माई 11 सर्कल फैंटसी पिक ऑन ESPN क्रिकेट इन्फो.